हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन, उस किचन में आपका स्वागत। आज हम करेंगे बिना इस फूले फूले भटूरे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे भटूरे कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, शुरू पे रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दो बाउल लिया था मैदा, उसी हिसाब से लिया था बारीक वाली सूजी 5 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, स्वाद अनुसार नमक और पाउडर चीनी मैदे में ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके साथ लिया है दही, हाफ बाउल खट्टा सा दही लिया है। उसे थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल थोड़ा सा पानी और इसका डो हम रेडी कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है, इसे फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो ऑनियन लेते उसे बारीक पीसेस में काट लिया था, तेजपान है, छोलों को रात को पानी में भिगो के रख दिया था, सुबह उसका पानी निकाल लिया है और 3 व्हिसल तक उसे पका लिया है। उसके साथ टमाटर, ग्रीन चिली, लवंग, काली मिरी, दालचीनी, इलायची, अदरक, लहसुन, इसकी हम बारीक से पेस्ट बना लेंगे। तिल 1 टेबल स्पून ऑयल गरम किया था, उसमें डाला था जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज भी अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें डालने वाली हूँ 1 चुटकी हींग, मिक्स कर लेंगे। टमाटर, अदरक, लहसुन और गरम मसाले की पेस्ट, पेस्ट को हम अच्छी तरह से भूनने वाले हैं 5 से 7 मिनट के लिए। टमाटर की पेस्ट भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, साइड से ऑयल छूट रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह से आपको टमाटर और प्याज को भूनना है। इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्ची पाउडर, धना जीरा पाउडर, गरम मसाला, धना जीरा पाउडर, हल्दी, मिक्स कर लेंगे। मसाले आपके हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। मसाला भी हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब डालने वाली हूँ छोले, जिसे बॉईल करके रखा था, मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोले को हम पका लेंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पे हमारे छोले पक गए हैं। अब लास्ट इसमें डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे हमारे छोले की सब्जी खाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अभी हम भटूरा रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसे हम बेल लेंगे। तो अभी हमारा भटूरा यहाँ पे फ्राई होने के लिए रेडी है। ऑयल भी गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है।
ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें डालने वाली हो भटूरे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। देख सकते हो कितना अच्छा फुला फुला भटूरा हमारा रेडी हो चुका है। बिना इसे हमने बनाया है, तो यहाँ पे हमारा भटूरा रेडी है। इस तरह से सब भटूरे में रेडी कर लूँगे। बिना इस फुले फुले भटूरे खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे छोले भटूरे खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोम्स किचन।